आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अभीर एंड दिव्या शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट के अंदर क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड। सर जो इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड होता है ना, ये एक लायबिलिटी होती है, इसे बांटने की कोशिश मत करना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का पड़ा है, 1,00,000 रुपए का। उधर बैलेंस शीट में जाके देखो इन्वेस्टमेंट कितने की है, 5,00,000, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 4,40। दिख रही है बेटा, इन्वेस्टमेंट 5 की कितने की हो गई, 4,40, तो कितने का नुकसान हो गया, 60 का। लड़ने के लिए रिजर्व कितना पड़ा है हमारे पास, 1,00,000, तो 40,000 तो बांट सकते हैं, 60 की तो लायबिलिटी हो गई। जनरल रिजर्व पे डॉट लगा लो क्योंकि ये तो बटेगा। फिर दोनों के कैपिटल गिवन है, एसेट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट है। नीचे लिखा है विभोर एंटर कर गया फर्म में, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। विभोर क्या लेके आएगा, 80,000 तो लाएगा गुडविल के। स्टॉक कितने का लाएगा, सॉरी स्टॉक ओवरवैल्यूड हो रखा है 20,000 से, 5,000 के बेड डेट हो गए, जो कितना पे करेंगे सिर्फ हमें 4,000 रुपए दे रहे हैं। 2 मंथ की सैलरी 6,000 रुपए पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग है, तो 12,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ई पॉइंट को मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हलिका आगे आना चाहिए था, इसने यही पूछ लिया। विभोर वॉज टू ब्रिंग अ कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अच्छा, विभोर कह रहा है कि जो पूरी फर्म का कैपिटल होगा ना, मैं उसका 1/5 ला के दूंगा। मैं कहा चल ठीक है यार, ये तो बाद में देखेंगे। आओ जी शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, बताना कैपिटल कितना कितना गिवन है बाय बैलेंस बीडी, कितना पड़ा है बताओ, 6,00,000, दूसरे वाले का 4,00,000, विभोर का कुछ है नहीं, बाय बैंक। अब मैं एक चीज करूं बेटा, वर्किंग नोट्स में एंट्री कर लूं। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू विभोर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो पता है कि वो गुडविल के लिए कितने पैसे ला रहा है, 80,000। कैपिटल के लिए कितने पैसे ला रहा है ये हमें, तो ये तो पता है विभोर, वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि कितनी है, 1:3:1। क्लियर है, तो 80,000 रुपए कैसे बटेंगे, 60,000 और 20,000, बोलो ये सुन लो, ऐसे ही बटेंगे, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसे ही ना, 3:1, तो 60,000 इसको दे देंगे और 20,000 इसको दे देंगे। बोलो कोई डाउट, नया पार्टनर पैसे कितने लाया है ये हमें नहीं पता, मैंने क्या लगा दिया यहां पे क्वेश्चन मार्क। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आती है सारी की सारी। अब एक काम करते हैं, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट ले, बिल्कुल बांट लिया जाए। कैसे बांटोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितने की इन्वेस्टमेंट है, 5,00,000 की इन्वेस्टमेंट, 4,40 की रह गई, तो 60 का नुकसान हो गया। रिजर्व कितना पड़ा है, 1,00,000 में से कितने का नुकसान हो गया, 60 को, तो कैसे बांटोगे, 30,000 और 10,000 बाय जनरल रिजर्व पड़ा है, कितना पड़ा है जनरल रिजर्व बताओ, 1,00,000, तो कैसे बांटोगे, 4 से बांटो, 30, 90,000 और 30,000 बांट दिया। ये बात समझ आती है बेटा, आगे चलते हैं। एक डेटर है जिससे हमने 5,000 रुपए लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं बेटा, अब वो बैड डेट हो गया क्या हो? अच्छा नहीं, पहले स्टॉक वाला पॉइंट है, स्टॉक ओवरवैल्यूड है 20,000 से, तो स्टॉक को कम कर दो, स्टॉक 20,000 से ओवरवैल्यूड है, ज्यादा है, तो स्टॉक को कम करके 20,000 से कम कर दो। पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का पड़ा था बताना जरा एक बार, 3,00,000 का, तो अब कितने का दिखाई देगा, 20 कम कर दिए तो 2,80,000 का दिखाई देगा। फिर इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाई देगी, अब 4,40 की, क्योंकि 5 की थी, 4,40 की रह गई थी, 60 का नुकसान हो गया था। बोलो यस और नो, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट मेरे बेटा इसमें, पहले इतनी बात में बताओ किसी को डाउट है क्या, क्लियर है।
आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, एक डेटर जिससे 5,000 रुपए लेने थे, कितने पैसे लेने थे बेटा हमने, 5,000 रुपए लेने थे, ठीक है जी, एक डेटर जिससे हमने कितने पैसे लेने थे बेटा 5,000, वो खत्म हो गया जी, क्या रह गया बताओ, बताओ, हाँ जी, अ डेटर हुज ड्यूज 50,000 वर राइट ऑफ एज बैड डेट, राइट ऑफ कर दिया बैड डेट की तरह, पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट, 4,000 रुपए वो दे रहा है, 4,000 रुपए वो दे रहा है, तो क्या एंट्री बनेगी बताओ बैड डेट की, क्या एंट्री होगी, बैंक डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू टू डेटर, कितने 4,000 मिल गए, एक का नुकसान हो गया और 5 चले गए, ये 1,000 के बैड डेट क्या रिवैल्यूएशन में डेबिट होंगे, नहीं, क्योंकि हमारे पास उससे लड़ने के लिए क्या पड़ा है, प्रोविजन पड़ा है, क्या पड़ा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नहीं पड़ा देखो पुरानी बैलेंस शीट में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, चलो बताओ फिर क्या करें, कैसे करें, नई बैलेंस शीट में डेटर कितने के आ जाएंगे, हाँ 5 के तो कम हो गए, तो कितने के दिखाई देंगे, 640 डेटर्स दिखाई देंगे, 6,40,000 माइनस प्रोविजन कितने का दिखाई देगा, अब पहले कितने का था प्रोविजन 50, अब कितने का दिखाई देगा 49,000 का दिखाई देगा, कितने का दिखाई देगा 49 का दिखाई देगा, तो 645 माइनस 49 5,96,000 डेटर 5,000 से कम हो गया, और इस बैड डेट को हमने राइट ऑफ कहां से किया बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बैड डेट्स, इस बैड डेट्स को तो वहां से राइट ऑफ किया है ना 1,000 के, बोलो यस सर नो, ये एंट्री समझ आती है, ये एंट्री समझ आती है बैड डेट वाली और ये प्रोविजन वाली, बैड डेट हुआ था तो 1,000 रुपए का नुकसान हुआ था, ये जो बैड डेट को राइट ऑफ किया है वो यदि प्रोविजन ना होता तो कहां चला जाता, रिवैल्यूएशन में, पर अभी हमने कहां से राइट ऑफ कर दिया, प्रोविजन से, डेटर कितने से कम हो रहा है 5,000 से, तो कर दिया हमने भी कम, प्रोविजन कितने से कम हो रहा है 1,000 रुपए से, तो कर दिया हमने कम, आगे चलते हैं, 2 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 12,000, नई बैलेंस शीट में जाके क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 12,000, क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, आगे चलो फिर क्या हुआ, बस हो गया यहां तक, एक काम करो रिवैल्यूएशन का क्या निकाल लो, प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है, कितने का लॉस आ रहा है बताना, हां जी शुरू करें, ये पॉइंट क्या गड़बड़ हो गया, ध्यान से पढ़ो एक बार, पॉइंट नंबर सी, अ डेटर वुड ड्यूज 5,000 वर राइट ऑफ एज बैड डेट, 5,000 रुपए के डेटर थे जो बैड डेट हो गए थे, जो क्या हो गए थे, बैड डेट हो गए थे पहले पास्ट में, जिसे हम राइट ऑफ भी कर चुके थे एज बैड डेट, आज वो बंदा आके हमें कितने पैसे दे गया, आज वो बंदा आके हमें कितने पैसे दे गया, 4,000 दे गया, तो इट इज अ फायदा, तो बाय बैड डेट रिकवर कितना बेटा 4,000, और बैलेंस शीट में डेटर पूरे वैसे के वैसे आएंगे जैसे थे, कितने के थे बताना जरा एक बार, बताना एक बार कितने, 6,00,000 और ये कितना था 50,000, तो 6,00,000 ही था ना बस, ये 1,000 डूब तो पहले ही गए थे 5, डूब तो पहले ही गए थे 5, आज तो उल्टा हमें क्या हुआ है 4,000 मिले हैं, 4,000 का क्या हुआ है फायदा हुआ है, फायदा, तो बताओ कितने का लॉस दिखाई देगा बुक्स में आपको, 32 में से 4 गए, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना बेटा 28, कितना 28, उसके बाद
28 कैसे जाएगा एडी ए और डी में, कोई रेशियो एन की पुरानी 3:28 को 4 से डिवाइड कर दो तो 21,000 और 7,000 या लिख देंगे टू लॉस ट्रा टू सीधा रिवैल्यूएशन लॉस कितना 21,000 और 7,000। अब क्या निकाल लो टू बैलेंस सीडी, क्या निकाल लो बैलेंस बैलेंस कर लो बैलेंस करो ए और डी का तो कर सकते हो कभी निकाल लेंगे 6,90,000 प्लस 90,000 780 माइनस 21,000 759 430 460 है ना 430 और 460 माइनस 7,000 453 को डाउट यहां तक कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को मेरे किसी बच्चे को डाउट है क्या यहां तक चले आगे चले बेटा आगे चले यहां तक कोई डाउट किसी को आगे कवर अप करें अब बताओ क्या करें चलो इसके बाद क्या कहता है बताओ इसके बाद क्या करें बेटा बताओ अब ई पॉइंट लास्ट पॉइंट रह गया वो कहता है कि जो ई है ना ई वो विभोर है वो 1/5 टोटल फॉर्म का कैपिटल लेके आएगा तो एक काम करते हैं लिखते हैं लेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म बी एक्स टोटल कैपिटल को क्या मान लें तो वी का कैपिटल कितना होगा 1/5 ऑफ एक्स। अच्छा टोटल कैपिटल कैसे बनेगा एज कैपिटल प्लस डीज कैपिटल प्लस वीज कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल बोलो यस और नो इस बात से किसी को दिक्कत क्या मेरे तीन स्टेप्स में दिक्कत है टोटल को एक्स मान लिया V ने कहा था मैं 1/5 पूरी फॉर्म का लाऊंगा तो मैंने इसको ये मान लिया A का D का और V का तब जाके टोटल बनेगा A का तो हमें पता है कितना है 7,59,000 D का कितना है 453 V का कितना है 1/5x टोटल कितना है x तो 759 प्लस 453 तो कितना हो गया 12,12,000 इज इक्वल्स टू 1x माइनस 1/5x दैट इज 4/5x तो 12,12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू एक्स आ गया 1x में से जब ये वहां गया तो 1/5x माइनस हो गया तो 1x में से 1/5x गया तो क्या बचा 4/5x फिर 4/5x यहां पे आके क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया इनटू में क्या कर दिया हमने 5 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 4 तो x की वैल्यू आ गई 15,15,000 सो देयरफॉर विभोर का कैपिटल हो गया 1/5 ऑफ 15,15,000 दैट इज डिवाइडेड बाय 5 3,03,000 3,03,000 तो जाओ जी फिर 3,03,000 कैसे करोगे बताओ इसका मतलब मुझे पता चल गया कि जो V है ना V वो कितने पैसे लाया है 3,00,000 तो 3,03,000 प्लस कितने कैपिटल के लाया था 80 तो 3,83,000 ये अब आ गया 3,03,000 और ये कितना आ गया 3,03,000 कोई डाउट यहां तक कोई डाउट इसमें यहां तक अभी तक किसी को एक इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चन था ये है 8 नंबर वाला क्वेश्चन इन दोनों की
यही तो लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल से तो कंसीडर करेंगे, ओपनिंग से ना कंसीडर करेंगे। नई फर्म में पार्टनर बनने आ रहा है ना, तो नई फर्म के कैपिटल तो यही है पार्टनर्स के। अब ठीक है आगे चलते हैं, इसके बाद क्या हुआ बताओ। अच्छा अब बस पुरानी बैलेंस शीट को देख के क्या बना लो नई बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट में बताओ क्या पड़ा है, क्रेडिटर्स कितने के पड़े हैं, पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 ऊपर आएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 ऊपर आएगी। इसने क्या कर रखा है, अरे चलो खैर कोई बात नहीं। क्या फिर क्या क्रेडिटर्स कितने हैं, 2,20,000। आगे बोलो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है, 1,00,000। फिर वो बढ़ गया, जल्द से बढ़ गया, फिर क्या आएगा किस किस का एडीवी कितना, 7,59,000, 4,53,000, 3,03,000। तो ये हो गया, ये वैसे तो मुझे पता है 759 प्लस 453 प्लस 303, वही 15,15,000 आ गया, वही वाला 15,15,000। उधर से आओ, सबसे पहले क्या पड़ा है बैंक बैलेंस, क्या पड़ा है बैंक में बताना, पहले कितने पैसे पड़े हैं, 1,40,000 कितने पड़े हैं, याद है नया पार्टनर आया था तो कैपिटल कितनी लाया था, 303, 80,000। और याद है जब बेड डेट रिकवर हुए थे तो 4,000 रुपए आए थे। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, 140 पहले थे, 330 नया पार्टनर लाया था, 80,000 गुडविल आई थी और 4,000 के बेड डेट रिकवर हुए थे, तो 5,27,000। 5,27 में डेटर वही आएंगे 6,00,000 के, स्टॉक 2,80,000 का, इन्वेस्टमेंट 4,40,000 की, तो 18,47,000। इधर से आओ, 15,15,000 प्लस 320 प्लस 12, 18,47,000, 18,47,000। कोई डाउट यहां तक बेटा, किसी को, मेरे किसी बच्चे को डाउट है क्या यहां तक, पक्का क्लियर है, अच्छे से सोच लो। मैं एक बार हट गया, ध्यान से नोट कर लीजिए,